हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे से बनने वाला एकदम चटपटा सा, कुरकुरा सा, करार सा नाश्ता, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा। बहुत ही ज्यादा चटपटा कुरकुरा होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है, क्योंकि हम इसे कम तेल में तैयार करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे 100% गेहूं के आटे से बनाऊंगी। काफी ज्यादा ये हेल्दी बनेगा और गेहूं का आटा आपको हर किचन में आसानी से मिल जाता है। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। वेट नहीं है हमारा, 150 ग्राम है, नाप में एक कटोरी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ा वाला मिक्सी का जार लिया है। अब इसके अंदर अपना गेहूं का आटा ट्रांसफर करेंगे जो हमने छान के लिया है, और आपको भी इसे छान कर लेना है। अब इसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या जाएगी, वो है आलू। एक बड़े साइज का आलू होना चाहिए जो हमें बॉईल करके लेना है, ठंडा करके लेना है। आप चाहे तो कच्चे आलू के साथ ही बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आलू को बॉईल करके बनाएंगे तो काफी अच्छा टेस्ट आएगा। तो ज्यादा आलू नहीं जाएगा, सिर्फ एक आलू काफी है, जिसको हम इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में करके डालेंगे। ये देखिए काफी है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज आएगी, वो है हमारा दही। तो सिर्फ एक टेबलस्पून तक हमें दही डालना है, जो गाढ़ा होना चाहिए और खट्टा होना चाहिए। अगर आपका दही खट्टा ना हो तो आप इसमें 2 चम्मच दही ऐड करना। इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली, तो तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप 3 से 4 डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह बैलेंस खाते हैं तो आपके लिए 2 काफी होगा। तो ये देखिए मैंने 2 ग्रीन चिली डाल दी है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, जिसको हमें डंठल के साथ डालना है, और हरा धनिया डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे ढेर सारा हरा धनिया डालिए इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, जिस कटोरी से आपने गेहूं का आटा नापा होगा उसी कटोरी से आपको पानी डालना है। सिर्फ एक कटोरी पानी जाएगा, ज्यादा पानी न डालना, और वही बर्तन से डालना। तो देखिए जितना हमने आटा लिया था उतना ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ज्यादा पानी नहीं जाएगा इसके अंदर, क्योंकि धनिया में भी पानी होता है। अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा बैटर। अब इसमें हम 3 कलियां लहसुन की डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, जितना नमक आप खाते हैं उतना डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसको हम कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इसको पीस लिया है, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया तरीके से ये पीस गया है, इस तरीके से ये गाढ़ा है। बहुत ज्यादा पानी डालेंगे तो पतला हो जाएगा, एकदम रनी होना चाहिए। तो आलू डालने की वजह से ये जो बैटर बनता है ये फ्लफी बनता है, क्योंकि आलू इसको कुरकुरा बनाने के साथ साथ फ्लफी भी बनाएगा। तो अब इसको हम एक बड़े साइज के बर्तन में ट्रांसफर करेंगे। तो ये देखिए हमने इसको तरह से ट्रांसफर कर दिया है। तो देखिए जब हम गिरा रहे हैं तो बिल्कुल रनी गिर रहा है, कहीं से भी रुक रुक के नहीं गिर रहा है। तो इस तरह से आपका ये होना चाहिए। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आप चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चुटकी हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर, बिल्कुल नाम मात्र का, सिर्फ 1 चुटकी काफी है। 1/4 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे डियर। 1/2 टीस्पून तक हम जीरा डालेंगे, साबुत वाला। और अब इसके बाद इसमें क्या जाएगा आपको बताते हैं। 1 मीडियम साइज की प्याज, जो हमने इस तरह से मोटी मोटी कट कर ली, ये डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, ग्रीन चिली ली है, और थोड़ी सी 1 इंच की अदरक ली है, जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। दोनों हमारे 1-1 चम्मच है, तो दोनों मिला के 2 चम्मच हो गया है। तो इसको डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर चाहे तो आप इसका पेस्ट भी बना के डाल सकते हैं। और अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आएगी, वो है ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो घी और बटर भी डाल सकते हैं। जिस जो भी डालिए हल्का सा गर्म करके डालना, क्योंकि सर्दियां है, ऐसे में ठंडा डालेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अब सारी चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि आपको एक ही डायरेक्शन में मिलाना है, ऐसा नहीं करना है कि एक बार इधर से एक बार इधर से, जिस तरफ से घुमा रहे हैं बस उसी तरीके से घुमाते जाइए। अब इसको कवर करके हम 5 मिनट का टाइम देंगे ताकि ये फूल जाए। तब तक हम दूसरा काम कर लेते हैं, इसे साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड, आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, आप जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे उड़द की दाल, जो हमने धुली वाली ली है, आप चाहे तो छिलके वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 बड़ा चम्मच लिया है, अगर आपका छोटा चम्मच है आपको 2 चम्मच लग जाएगा। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मूंगफली का, जो कच्ची वाली मूंगफली है, आप इसकी जगह पे भुनी वाली भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों चीजों को धीमी धीमी आंच पर अच्छा सा कलर आने तक भूनेंगे, जलाना नहीं है। इसीलिए जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, तो 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे भूनने में। तो फ्रेंड, जब 1 मिनट हो जाए, ये हल्का हल्का सा भुनना शुरू हो चुका है, तब इस स्टेज पे आप इसमें 5 कलियां लहसुन की डाल दीजिए, क्योंकि छोटी छोटी है इसीलिए मैंने 5 इस्तेमाल की। अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 3 डालना।
अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसके बिना ही बना सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च, तो यहाँ पे तीखापन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 ग्रीन चिली का इस्तेमाल करूंगी, जिसको हम इस तरह से बीच से तोड़ कर डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और इसको सेकने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे ग्रीन चिली को भी हम डाल के 10 से 15 सेकंड भूनेंगे। तो देखिए ना दाल जली है, ना हमें दाल को जलाना है, ना ही मूंगफली को, तो यहाँ पे हमें धीमी फ्लेम पर ही सारा काम करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे क्या, सौंफ। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच सौंफ ली है, जिसको मैंने इस तरह से हाथ में ले लिया ताकि आपको दिखा सके कि ये मोटी वाली सौंफ है, पतली वाली सौंफ का इस्तेमाल नहीं होगा। तो सौंफ डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी बहुत प्यारी आएगी। अब इसमें एक सीक्रेट चीज आएगी, वो है नारियल के लच्छे। अगर आपके पास फ्रेश वाली नारियल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं हो तो मेरी तरह काम चला सकते हैं इस नारियल के लच्छे से, या फिर आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लास्ट में नारियल का लच्छा डालेंगे, क्योंकि इसको जलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजों को हमें धीमी धीमी आंच पर 10 से 15 सेकंड वापस से भूनना है। अब जब सारी चीजें अच्छे से भुन गई, हम इसमें लास्ट में डालेंगे अदरक, जो हमारा 2 इंच का अदरक था, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद कपड़े से पोंछ लिया है। और फिर इसको हम डाल के धीमी धीमी आंच पे वापस से 5 सेकंड भूनेंगे, क्योंकि अदरक को जलने में बहुत कम टाइम लगता है, इसीलिए आपको अदरक को सबसे लास्ट में डालना है। तो देखिए सारी चीजें हमारी बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, मूंगफली पे बिल्कुल हल्के हल्के से इस तरह से चिट्टे पड़े हैं, जली बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई। अब इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड देखिए सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो गई, तब हमें क्या करना है, छोटा वाला मिक्सी का जार लेना है, उसके अंदर हम ट्रांसफर करेंगे फटाफट अपनी सारी चीजों को। और हल्का सा ठंडा हो तब मत इस्तेमाल करना, जब तक बिल्कुल अच्छे से ठंडा ना हो आपको तभी इस्तेमाल करना है, जब बिल्कुल ठंडा हो जाए अच्छे से। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच शुगर, जिसको चीनी भी बोलते हैं, शक्कर भी बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब इसमें जाएगी नमक, तो यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना, जितना नमक आप खाते हो उतना डालना। अब इसमें हम डालेंगे भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर। तो देखिए मक्खियों ने कितना ज्यादा परेशान कर रखा है, अगर आपके पास कोई ट्रिक हो इसे भगाने की तो बताना कमेंट बॉक्स में। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे, ज्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना है, और इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको, मैंने इसको पीस लिया है, ये देखिए इस तरह से ये मैंने थिक रखा है, बहुत ज्यादा पतला नहीं रखा है। आप चाहें तो इसको पतला भी कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस नाश्ते के साथ इसे सर्व करूंगी उसके साथ ये थोड़ा सा थिक बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए इसकी थिकनेस मैंने कैसे रखी है, इतनी रखी है। तो आप चाहें तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, मैं इस पर एक तड़का लगाऊंगी जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो फ्रेंड तड़का लगाने के लिए मैंने 3 चीजें ली है, मैंने लिया है 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मैंने लिया है सरसों, और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच हींग। तीनों चीजों को मैंने इस तरह से मिला लिया है ताकि फटाफट तड़का लग जाए। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया, अब हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से जब 10 से 15 सेकंड ये चटक जाए इस तरह से हिला दीजिएगा, और अब हमारा जब ये बिल्कुल अच्छे से उछलने लगेगा हम ऐड कर देंगे। और ये तड़के लगने के बाद आपका जो किचन है पूरी खुशबू से महक जाएगा। तो ये देखिए तड़का लगने के बाद चटनी का टेक्सचर और लुक कितना प्यारा आ गया है। तो चलिए चटनी को साइड में रख देते हैं, चटनी आपकी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो फ्रेंड 3 से 4 मिनट हो चुका है, देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा ये फूल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे एक सीक्रेट चीज जो इस नाश्ते को कुरकुरा बनाएगी, वो है हमारा चावल का आटा, जो हम इसमें 2 टेबल स्पून तक डालेंगे। अगर आपको चावल के आटे की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर कर देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो और आप बनाना भी नहीं चाहते तो आप इसकी जगह पे सूजी या अरारोट का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए लास्ट मोमेंट पे आपको डालना है, इसको डालकर छोड़ देंगे तो चावल के आटे का असर खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं फटाफट बनाना शुरू करते हैं अपने नाश्ते को। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ, एक पैन में मैंने थोड़ा तेल लिया है क्योंकि मैं इसे कम तेल में बना रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बड़ा वाला हरा धनिया, जो हम लास्ट टाइम डाल के इस तरह से मिक्स कर देंगे, जिससे लुक बहुत ही प्यारा आएगा। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे पुदीना या कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। और मिक्स करने के बाद अब नाश्ते को बनाना शुरू करेंगे। तो तेल को हमें अच्छे से गर्म करने के बाद इस तरीके से डालना है अपने बैटर को। ये देखिए आप चाहे तो हाथ से ही बना सकते हैं, मैं इसे चम्मच से बना रही हूँ, आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसा चाहे इसको बना सकते हैं। तो तेल आपका जब बिल्कुल अच्छे से गर्म हो तभी डालना। तो यहाँ पे इस तरह से इतने डालना जितना कि आपको पलटने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए अपने आप ही कितने फूले फूले से बन जाएंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर दही डाला है। तो दही और आलू इसको फुलाने का काम करेंगे। तो मैंने इतना डाल दिया है जितना कि पलटने में कोई दिक्कत ना हो। 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे, फिर उसके बाद टर्न करेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, आप देखिए हम इसको पलट देंगे। तो आप छोटे चम्मच से या नाइफ से पलट सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। आप चाहें तो इसे हल्का सा लाइट भी उतार सकते हैं, लेकिन मैं इसको अच्छे से गोल्डन करूंगी। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कितना क्रिस्पी और कितना अंदर से फ्लफी बनता है। आप एक बार इस तरह से बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल करेगा, और जिसको भी आप ये देंगे वो गारंटी के साथ नहीं बता पाएगा आपको कि ये गेहूं के आटे से आपने तैयार किया है। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी बन चुका है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो वापस चला जाए। ये देखिए कितना मजे का बना है। तो तेल को हम फिर से गर्म कर लेंगे। जैसे ही हमारा तेल गर्म होगा हम अपना दूसरा बैच भी इस तरह से बना बना कर डालते जाएंगे। तो आप इसे चम्मच से बनाइए या हाथ से बनाइए, आपकी अपनी मर्जी है। तो चलिए फटाफट बनाने के बाद आपसे। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा गेहूं के आटे का बहुत ही ज्यादा कुरकुरा सा क्रिस्पी सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है। जितना ज्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज्यादा क्रिस्पी है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कितना ज्यादा क्रिस्पी है, ऊपर से काफी ज्यादा क्रिस्पी होने के साथ साथ अंदर से काफी ज्यादा फ्लफी और जालीदार है। अभी हम आपको तोड़कर भी दिखाएंगे। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं सारे ही हमारे क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ तोड़कर। तो ये देखिए तोड़ने से ही पता चल रहा है कितना जालीदार और कितना बेहतरीन ये बना है। देखिए अंदर से बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ है और यहाँ पे सारे ही हमारे जालीदार बने हैं, ये देखिए। जो भी आप तोड़ेंगे आपको रिजल्ट सबका सेम ही नजर आएगा, ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका मतलब ये बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है। ये वाली चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। कैसी लगी आपको रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। तो आप दिखा सकते हैं तो केचप के साथ खाइए या चटनी के साथ खाइए, किसके साथ खाएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं।